हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक एडिट। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं नोला वाली इस तरह की फोटो एडिटिंग, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा औसम सी लग रही है। तो जो व्यूवर हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। इस तरह की फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको स्नैपशीट ओपन कर लेना है। स्नैपशीट को ओपन करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है, अपने मॉडल की इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नीचे टूल पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से विगनेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल करेंगे, विगनेट वाला ऑप्शन आपको नजर आ जाए, इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली 6 वाले पर आपने एडजस्ट कर लेना है और इसकी ब्राइटनेस को डिक्रीज कर लेना है। ब्राइटनेस को डिक्रीज करने के बाद स्टाइल स्ट्रेंथ को कुछ, सेचुरेशन को भी डिक्रीज करें, स्टाइल स्ट्रेंथ को +30 के करीब रख लेंगे और टिक मार्क पर क्लिक कर लेंगे। टिक मार्क पर क्लिक करने के बाद ऊपर से क्रॉस आइकन पर जाएंगे, नीचे से व्यू एडिट पर जाएंगे। व्यू एडिट पर जाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ब्रश को ले लेंगे। ब्रश को लेने के बाद नीचे से इनवर्ट पर क्लिक कर लेंगे, पिक को जूम करके अपने फेस स्किन से रिमूव कर लेंगे। कुछ स्टेप से अपने विगनेट को 0 रख के अपने स्किन और हेयर से रिमूव कर लेना है। फिर अपने विगनेट को 25 रख लेना है इसकी और अपने हैंड्स वगैरह से इरेज कर लेना है। तो मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। फिर अपने विगनेट को जो है 75 रख लेना है और अपने ये लेग वगैरह से रिमूव कर लेना है। तो मैं फ्रेंड यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप से फ्रेंड्स आपने भी रिमूव कर लेनी है। रिमूव करने के बाद सिंपली नीचे से अपने टिक मार्क पर क्लिक कर लेना है। टिक मार्क पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपने बैक चले आना है। बैक आने के बाद दोबारा टूल्स वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है और डबल एक्सप्लोर पर जाना है। यहाँ से PNG इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली इसे यहाँ से जाकर लाइटन कर लेना है। लाइटन करने के बाद सिंपली टिक पर क्लिक कर लेना है। दोबारा अपने टूल पर जाना है, डबल एक्सप्लोर पर जाना है, एक और PNG इसका भी ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद कुछ स्टेप्स आ जाएगी, इसको आपने ऐड कर लेना है। नीचे से सेकंड वाले टूल पर जाके इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर इसे कुछ स्टेप से जूम कर लेंगे, सिंपली टिक मार्क पर क्लिक कर लेंगे। दोबारा अपने टूल पर फिर चले जाना है और यहाँ से आपने कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। कर्व को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लू कलर ले लेना है और इसको कुछ स्टेप से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। इसकी इंक्रीज़ करने के बाद सिंपली आपने RGB को लेना है और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ से थोड़ा डिक्रीज़ कर लेना है। इस टाइप से ग्राफ को आपका ब्लैक शेडो ज़्यादा आएगा, इससे फोटो अच्छी लगेगी। सिंपली टिक पर क्लिक कर लेना है। फिर टूल पर जाना है और यहाँ से सिलेक्टिव को कर लेना है। अपने अगर चेहरे वगैरह को आपके ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज़ करनी है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से थोड़ी बहुत ही कंट्रास्ट वगैरह इंक्रीज कर लेता हूँ। मेरा पहले से भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। सिंपली एडजस्टमेंट करने टिक पर, टिक वाले टूल पर क्लिक कर लेना है। टिक वाले टूल पर क्लिक करने के बाद बिफोर आफ्टर रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा औसम सी लग रही है। तो सिंपली एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और गैलरी में सेव कर लेनी है। तो कैसी लगी वीडियो? सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा।